वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा एक्टिव प्लस से। आज मैं आपसे दो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं। पहला है काइफोसिस, दूसरा है स्कोलियोसिस। आप सब ने सुना ही होगा और अक्सर लोग आते हैं बताते हैं कि हमें स्कोलियोसिस है या काइफोसिस है। तो एक तो बहुत मिसअंडरस्टूड और बहुत रॉन्गली डायग्नोज होकर लोग आते हैं कि हमें बताते हैं कि हम काइफोटिक हैं या स्कोलियोटिक हैं। ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर लोगों में नहीं मिलती, और जिन लोगों में मिलती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और स्कोलियोटिक या काइफोटिक होने का क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहते हैं, या आप कोई भी एथलेटिक गेम खेलना चाहते हैं, तो किस तरह से अपने पॉस्चर को, अपने एंगल्स को चेक करें, आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए, ये आपका स्पाइन है, यह है आपका पेल्विस, यह है आपके लंबर रीजन, यह है आपका डॉर्सल रीजन। किसी भी तरह से जब ये एंगल ऊपर से बेंड होने लग जाता है, यानी कि आप आगे की तरफ झुकने लग जाते हैं, तो इसको काइफोटिक एंगल बोलते हैं। ये इस तरह से स्पाइन दिखने लग जाता है कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। देखें स्पाइन किस तरह से टेंशन में आ गया है, इसको हम काइफोटिक बोलते हैं। दूसरी चीज़ स्कोलियोटिक। स्कोलियोटिक या स्कोलियोसिस क्या होता है? जब स्पाइन किसी भी तरह से लेफ्ट या राइट लेटरली बेंड होने लग जाती है, तो पहली चीज़ समझने की यह है कि काइफोटिक होता क्यों है या कितना एंगल काइफोटिक का नॉर्मल होता है। तो पहली तो चीज़ आजकल हम देखते हैं, जो भी ऑफिस डेस्कटॉप का काम करते हैं उनमें काफ़ी काइफोटिक एंगल्स देखने लग जाते हैं, बट वो लेटरल लाइफ में होता है। क्या आप 18, 19, 20 साल के हैं, 21 साल के हैं और आप हंच करने लग गए हैं? वर्ड हंच भी यूज होता है काइफोटिक एंगल के लिए, तो आपकी शोल्डर वीकनेस आपके पॉस्चरल चेंजेस की वजह से होता है। तो ऐसी चीज़ों में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको एंड तक बताऊँगा, प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो। और स्कोलियोटिक क्या होता है? स्कोलियोटिक में क्या होता है कि आप अनइवन, आपका जो पेल्विस है वो किसी न किसी तरह से शिफ्ट होने लग जाता है, या तो लेफ्ट या राइट टिल्ट होने लग जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो मैं पहले स्कोलियोसिस से चालू करता हूँ। सबसे पहला कारण हो सकता है एडोलेसेंट स्कोलियोसिस या कंजेनाइटल स्कोलियोसिस, यानी कि या तो आप पैदाइशी तौर से जब आप डेवलप हो रहे थे तभी आपकी स्पाइन बेंड होने लगी, वो कंजेनाइटल होता है। और जैसे ही आप 14-15 साल के होने लग जाते हैं, ये चीज़ काफ़ी यंग एज में भी दिखती है, बट एडोलेसेंट स्कोलियोसिस सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। यानी कि 14-15-16 साल के बच्चे जब आते हैं और बात करते हैं कि हमारा शोल्डर ऊपर नीचे है या पेल्विस ऊपर नीचे है, तो एक ये सब जो गलती करते हैं, जाते हैं अपने आसपास किसी भी डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास, वो आपका एक्सरे करवाते हैं। एक तो वो बहुत छोटा एक्सरे कराते हैं, उसमें आप थोड़ा सा एंगल नज़र आता है और वो कह देते हैं कि आप स्कोलियोटिक, बिल्कुल गलत है, वो नहीं होता। उसको एक कॉप्स एंगल बोलते हैं, जब आपका स्पाइन के आसपास जब एंगल बनाया जाता है और देखते हैं कि कितना लेटरल टिल्ट है। अगर ये लेटरल टिल्ट 5 से 7 डिग्री या 10 डिग्री तक भी है तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 से 5 डिग्री तक हर एवरेज आदमी में एंगल दिखता है स्कोलियोसिस का। और यही चीज़ अगर आपका 12 या 15 डिग्री तक पहुंच जाता है तो आपके शोल्डर्स, स्पाइन एक तरफ झुकने लग जाती है। ये एडोलेसेंस में स्टार्ट होता है, जब तक कि वो 18, 20, 22 साल के होते हैं काफ़ी विजिबल दिखने लग जाता है। क्या इसका प्रोग्नोसिस होता है? प्रोग्नोसिस का मतलब बीमारी कैसे बढ़ेगी या घटेगी, या क्या इसका इलाज हो सकता है स्कोलियोसिस में? तो देखिए, अगर आपका एंगल 10-15 डिग्री के आसपास है या उससे भी कम है, तो आपको किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको योगा, स्ट्रेचेस, एक्सरसाइजेस करनी है। हाँ, लेकिन एक बार अपने फीट का असेसमेंट ज़रूर करा लेंगे, क्योंकि अगर आपका फीट आर्चेस फ्लैट होने लग गए हैं या दबने लग गए हैं, तो अगर आप कस्टमाइज इंसोल पहनेंगे तो आगे फर्दर एंगल डिटोरिएशन नहीं होगा, एक्सरसाइज से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको एडोलेसेंट स्कोलियोसिस हो चुका है तो आपको एक्सरसाइजेस कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ घंटे नहीं करनी, आपको पूरी लाइफ करनी है, जब तक कि आप 40-45 साल तक नहीं होते। और जनरली देखा गया है कि ये अर्ली लाइफ में ज़्यादा डिटोरिएट होता है बजाय 25-30-35 साल के बाद, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छे डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। जहाँ पर ये 40 या 45 या उससे भी 50 डिग्री तक हमने स्कोलियोसिस देखा है, वो पूरे ही बेंड होते हैं, चलने में बहुत दिक्कत आती है। उन लोगों में जैसे ही जॉइंट्स फ्यूज होने लग जाते हैं, यानी कि एडोलेसेंट, यानी कि 18-20 साल के हो जाते हैं, फिर हम उन पे सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि अगर 18-20 साल पे एंगल्स बहुत ज़्यादा बेंड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा झुक गए हैं, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्क्रूज और प्लेट्स की वजह से आज की बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ओवर ए पीरियड स्पाइन को धीरे 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 सीधा किया जाता है और फ्यूज किया जाता है। ये हो गई स्कोलियोसिस की बात। तो ध्यान रखिएगा कि आपका कॉप्स एंगल क्या है, क्या वो 5 डिग्री है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, उसके हिसाब से आपका
इलाज चालू होगा। कायरोप्रैक्टिक किसमें क्या करते हैं, आपके बॉडी को बैलेंस आउट करते हैं, आपको एक्सरसाइजेस बताते हैं, आपको हीलिंग की तरफ डालते हैं, आपको कस्टमाइज इंसोल दे सकते हैं, आपके एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और काफ़ी अगर 10-12-15 डिग्री तक एंगल्स होते हैं तो उनको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं या पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। यही 40-45 डिग्री होगा तो आपको सर्जिकल प्रोसीजर पे जाना होगा। बहुत लिमिटेड लोग हैं जो ये प्रोसीजर्स करते हैं, तो हर किसी पे ना जाएं, आप हमसे एक्टिव प्लस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आती है बात काइफोसिस की। काइफोसिस एडोलेसेंस एज यानी कि 18-20-15-16 साल पे अगर आपको होता है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका पूरा पोस्चर स्टडी करने का, आपका खेलने कूदने, या कई लोग ये भी देखा गया जो फ्लैट फीट होते हैं, जिनके यानि कि पंजे जो कर्व होना चाहिए अगर वो पूरा फ्लैट हो जाते हैं किसी भी कंजेनाइटल की वजह से या किसी इंजरी की वजह से, वो भी उनका काइफोटिक एंगल धीरे धीरे एज के साथ बढ़ने लग जाता है। उनका ट्रीटमेंट भी दो तरह से होता है। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट हो सकता है, स्पाइन को हम इलोंगेट कर सकते हैं एडजस्टमेंट करके, और टिश्यूज को, मसल्स को और ज़्यादा रिलीज कर सकते हैं, उनको लंबा कर सकते हैं एक्सरसाइजेस की वजह से। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे भी आपको काइफोटिक एंगल ज़्यादा हर्डल कर रहा है, आपकी गर्दन ज़्यादा ड्रूप कर रही है, तो आप बिल्कुल डिले ना करें, अपने आसपास फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, और इसको सॉर्ट आउट करें। क्योंकि अगर आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, ये आपकी पूरी स्पाइन को धीरे 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 मोड़ना चालू कर देगी। और काइफोटिक में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, हो सकता है 10-15-20 दिन की सेशन में ही आप पूरी तरह से आपके एंगल ख़त्म हो जाए, 2-4 डिग्री तक ही बचे, जिसको आप एक्सरसाइज से बेटर कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, क्या इन लोगों को आर्मी के एंट्रेंस में या फिजिकल एग्जामिनेशन में दिक्कत आती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे ही आप खड़े होते हैं लाइन में अपनी चेस्ट वाइट करके, जो एग्जामिनर होता है वो दूर से ही समझ लेता है कि इसके नीज, इसके हिप किस एंगल पे हैं। उनके चार्ट में आपको जब खड़ा करते हैं, अगर आपका पेल्विस एक लेवल पे नहीं है, वो आपको आउट कर देंगे। उसके बाद अगर आप बच भी जाते हैं, अगर आप एक्सरे में जाते हैं, तो एक्सरे में ये सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आ जाती हैं, क्योंकि फिजिकल डिमांड सारी डिफेंस फोर्सेस में बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी एंगल डेविटेड लोगों को नहीं लिया जाता, और आप तुरंत के तुरंत रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आप फ्लैट फीट हो सकते हैं, तुरंत के तुरंत आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप एडोलेसेंट हैं, जाना चाहते हैं फोर्सेस में, तो आज ही हमसे मिलें और हम इसका सोल्यूशन बताएंगे कितना हम करेक्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम पूरी तरह से गारंटी देके करेक्ट कर सकते हैं ये सारी डिफॉर्मिटीज़, क्योंकि जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, आप उनको प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा डालते हैं, करेक्शन जितना मिल सकता है वो कर सकते हैं। बट रेगुलर बेसिस पे आप इसको एक्सरसाइजेज से काफ़ी कुछ मैनेज कर सकते हैं, और ज़्यादातर लोग इससे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कंटेंट थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगता हो, प्लीज़, हम बहुत हार्ड वर्क से बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।